ये क्रेक हो चुकी थी शायद, कुछ भी मिस्टेक थी इसको कैंसिल कर चुकी थी म्यूनसिपलिटी उसके बावजूद। अब ऐसा नहीं कि कल को कल जो है महानगर पालिका यहाँ पे आके बोल दे कि लोगों की जान को खतरा है तो हम यहाँ पे पानी बंद कर देते, टाकी बंद कर देते। कम से कम 5 साल के ऊपर हो रहे थे। अच्छा, ये रिजेक्ट किया था कि अब नहीं काम बंद हो गया, फिर उसके बाद चालू करके फिर चालू कर दिए टाकी। 100 ml पानी अगर हम कहीं से ला रहे हैं तो हमारी ये जिम्मेदारी भी है कि कहीं 1000 लीटर पानी हम डेली बचा भी सकते हैं। जानवर गिरे थे क्या? पाड़ा पाड़ा गड्ढे में गिर गया था। हजारों लीटर पानी जो है डेली वेस्ट हो रहा है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे कितना पानी इस मौसम में इस फिलहाल इस वक्त, अरे डेली की बात है। पानी मतलब कम कम बह रहा था, मगर 3 या 5 दिन से ज्यादा ही पानी बह रहा है। अच्छा, अभी ज्यादा पानी बह रहा है। जी, मतलब ऊपर का भी लीकेज है 4 महीने से और ये अभी जो है ज्यादा हो गया, बहुत बहुत ज्यादा हो गया। अच्छा, अगर अभी तक आपने द वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी सब्सक्राइब करें। हमारे इस वीडियो के स्पॉन्सर है अम्मीजान टोन मिल्क, प्रीमियम क्वालिटी विद ट्रस्टेड ब्रांड, अब भिवंडी में भी उपलब्ध। एक बार जरूर ट्राई कीजिए अम्मीजान मिल्क। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेहमान, द वॉइस में आप सभी का स्वागत है। फिलहाल हम खड़े भिवंडी दरगाह रोड पे, जो पानी की टाकी है। दरगाह रोड पे पानी की टाकी ये काफ़ी फेमस है, काफ़ी चर्चित है। पूरे दरगाह रोड, आजमी नगर और समरूबाग के इलाके को यहाँ से पानी सप्लाई होता है। अब यहाँ पे 4 महीने हो गए हैं यहाँ पे ये टाकी लीकेज है, जिसकी शिकायत बार बार जो है भिवंडी कॉरपोरेशन में की जा रही है, लेकिन उसके ऊपर सुनवाई नहीं हो रही। लीकेज क्या है ये हम आपको बताएंगे। वैसे भिवंडी शहर में क्रेडिट लेने की प्रथा चल रही है, हर कोई अपने अपने काम का या हर कोई दूसरे के काम का या हर कोई किसी नए काम का क्रेडिट लेना चाहता है। जैसे कि हमने देखा अभी 100 ml पानी जो है राज्य सरकार की तरफ से पास हुआ है भिवंडी के लिए। अब यहाँ पे भी हर कोई कह रहा है कि हमने पास कराया, लेकिन आज मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर रोज़ाना जो 1000 गैलन पानी यहाँ पर वेस्ट हो जाता है, तो इसको रुकवा के भी, इसको बचा कर भी लोग क्रेडिट ले सकते हैं। लेकिन ये बातें किसी को पल्ले नहीं पड़ती है, लेकिन हमारी महानगर पालिका को भी नहीं दिख रहा है कि इतना गैलन पानी यहाँ पे डेली वेस्ट हो रहा है। देखिए, ये जो पानी की लाइन यहाँ पे आई है, जो पानी इस पाइप के जरिए टाकी में चढ़ता है, तो उसमें फॉल्ट है, वो लीकेज है। सबसे पहला लीकेज एक वो है, जिसकी वजह से उसको बनाने के लिए, उसको रिपेयर करने के लिए यहाँ पे खड्डा खोदा गया था। देखिए, ये जो खड्डा है ये तकरीबन 10 से 12 फीट नहीं, शायद हो सकता है 7 से 8 फुट का गहरा खड्डा है यहाँ पे। तो यहाँ पे कुछ रोज़ पहले एक छोटा बच्चा भी गिर गया था। अब मैं आपको बता दूँ कि दुविधा क्या है कि आसपास के जो इलाका है, देखिए ये जो पूरा आसपास का जो परिसर है, इलाका नहीं बोलेंगे हम, जो यहाँ की जो एरिया है, यहाँ पे एक भी स्ट्रीट लाइट आपको नज़र नहीं आएंगी। जरा वो कैमरा घुमाओ, मैं कैमरामैन से गुजारिश करूँगा, एक भी स्ट्रीट लाइट जो है यहाँ पे आपको नज़र नहीं आएंगी। दूसरी बात कि ये इतना गहरा खड्डा ऐसे ही छोड़ दिया। देखिए, छोटे छोटे बच्चों को दिखा, जरा सब बच्चों को दिखा एक बार, कितने छोटे छोटे बच्चे जो है यहाँ पे खेलते हैं। और अभी भी हमारे को देख के जो है यहाँ पे भीड़ जमा हुई है। ये देखिए, सबके हाथ में बॉल भी, जरा दिखा, जरा देखिए, छोटे छोटे बच्चे जो है यहाँ पे खेलते हैं और यहाँ पे बार बार जो है वारदात हो सकती है, दुर्घटना हो सकती है। तो इसके लिए कॉरपोरेशन को चाहिए कि यहाँ पे थोड़ा सा सख्ती बरते, यहाँ पे कॉरपोरेशन को चाहिए कि थोड़ी सी यहाँ पे लापरवाही ना बरतते हुए अपने काम को सही से अंजाम दे। और एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे चैम्बर के लिए, देखो ये चैम्बर है यहाँ पे जिसे पानी सप्लाई होता है, कोई चैम्बर रूम नहीं, इतना बड़ा एरिया है, इतना बड़ा टाकी का ये है, बस ये ऐसे ही पड़ा है। और पानी आसपास आप देख सकते हो कि किस तरह से पानी फैला हुआ है, किस तरह से हज़ारों लीटर पानी जो है डेली वेस्ट हो रहा है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे कितना पानी इस मौसम में इस फिलहाल इस वक्त, अरे डेली की बात है। तो यहाँ पे 100 ml पानी अगर हम कहीं से ला रहे हैं तो हमारी ये जिम्मेदारी भी है कि कहीं 1000 लीटर पानी हम डेली बचा भी सकते हैं। इसके लिए महानगर पालिका तुरंत एक्शन ले, इसके लिए महानगर पालिका जो है तुरंत, अब ऐसा नहीं कि कल के कल जो है टाकी बंद कर दे। एक बात और मैं बता दूँ कि ऊपर टाकी के ऊपर भी जो लीकेज हुआ है, जो पानी जो है धीरे धीरे टाइम टू टाइम यहाँ पे टपकते रहता है पानी, तो उसे भी रिपेयरिंग करने की ज़रूरत है, जल्द से जल्द रिपेयरिंग करने की ज़रूरत है। ये दोनों चीज़ें
यहाँ पे भी लीकेज है और ऊपर टाकी में भी लीकेज है, जो कि ऊपर से भी पानी वेस्ट हो रहा है। तो यहाँ से निकल के भी वेस्ट हो रहा है और ऊपर से भी जो पानी भर रहा है वहाँ से भी ऊपर से वेस्ट हो रहा है। तो ये लीकेज को भी जल्द से जल्द भरने की और इसको रिपेयर करने की ज़रूरत है। अब ऐसा नहीं कि कल को कल जो है महानगर पालिका यहाँ पर आके बोल दे कि लोगों की जान को खतरा है तो हम यहाँ पर पानी बंद कर देते, टाकी बंद कर देते, ये बातें भी नहीं आनी चाहिए। चीज़ें जो है लोगों के सहूलत के लिए होनी चाहिए, जो कि मैं कह रहा हूँ यहाँ पर बार बार कि इसको जल्द से जल्द रिपेयर किया जाए, इसको जल्द से जल्द रिपेयर कराया जाए, ताकि जो है ये सारी वेस्टेज जो है वो बचे और लोगों को जो है पर्याप्त पानी मिले, लोगों को जो पर्याप्त ये कम। यहाँ पे कोई है बात करने वाला? आप यहाँ के हो क्या? जी अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम आपका? एजाज अहमद नाम है। एजाज भाई, ये कब से है लीकेज थोड़ा सा बताएं? कम से कम हमारा बिजनेस लेकर अच्छा था भाई, हमने तो 4 महीना सुना था। हाँ, पानी मतलब कम कम बह रहा था, मगर 3 या 5 दिन से ज़्यादा ही पानी बह रहा है। अच्छा, अभी ज़्यादा पानी बह रहा है, मतलब ऊपर का भी लीकेज है 4 महीने से और ये अभी जो है ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया। अच्छा जी, तो इसके ऊपर क्या कुछ क्या बोलते हैं, बच्चे लोग खेलते तो कुछ खतरा होता है यहाँ पे? खतरा तो नहीं है, मगर बच्चे गिर सकते ना भाई। यहाँ पे एक बच्चा गिरा था हमने सुना है। हाँ, जानवर गिरे थे क्या? पाड़ा पाड़ा गड्ढे में गिर गया था। अच्छा, तो यहाँ पे मेरे को एक बात बताओ कि आपने यहाँ पे किसी से शिकायत की क्या? किसे शिकायत करेंगे भाई, सुबह जॉब पे आते रात में आते हैं तो कहाँ से शिकायत? ऐसा ऐसा तो, लेकिन हमारा भी तो काम बनता है ना, अगर हम कुछ गलत देख रहे तो उसको शिकायत करो। ये तो गलती है भाई हमारी ना। नहीं, हाँ मतलब यही कि जब तक आवाज़ नहीं उठाएंगे तब तक के लोगों के कान पे जू कैसे रहेगी? ये बात तो सही आपने कहा, है कि नहीं? तो इसके लिए कोशिश करो कि कहीं अगर हमको लगता है और हम आवाज़ उठा सकते हैं, अभी जैसे आप आ गए तो आपकी आवाज़ इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे ऊपर पहुँचाने की, लेकिन ऐसे ही हम पत्र के जरिए जो है अपनी आवाज़ को पहुँचा सकते हैं, नहीं पत्र के जरिए तो यहाँ के स्थानीय नगर सेवकों को बोल सकते हैं। तो दोस्तों, ये वार्ड नंबर 7 है फिलहाल, हम जैसे कि यहाँ पे 4 नगर सेवक भी है तो ये उनके भी जिम्मेदारी में आता है कि उनको भी जो है इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए और उनको भी महानगर पालिका से, कॉरपोरेशन से ये सारी चीज़ों को तकरार देके यहाँ पे काम करवाना चाहिए। मैं आपको एक बात और बता दूं कि यहाँ पे वॉल बाउंड्री भी नहीं है, जो कि इतना बड़ा एरिया जो ऐसे खुला पड़ा हुआ है, बच्चे भी आते हैं, भले बच्चे आके खेले लेकिन वॉल बाउंड्री होना चाहिए। जैसे कि मैंने बताया आपको कि यहाँ पे खड्डा है, उस पर एक बार एक बच्चा गिर गया था, ऐसे और हादसे हो सकते हैं खुदा ना खास्ता। यहाँ पे लाइट भी नहीं है, तो इन सभी चीज़ों की जो है ध्यान देनी होनी चाहिए। आप थोड़ा सा बात करेंगे क्या हमारे साथ में? आइए ना, आइए 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 आइए। आप कहाँ रहते हैं? आप? मैं इधर ही रहता, दरगाह पे। अच्छा, दरगाह पे रहते? तो ये जो है सारी चीज़ें क्या अच्छी बात है क्या? अच्छी बात नहीं है, ये पानी की टाकी कैंसिल हो चुकी है, उसके बावजूद ये चालू की है। अच्छा, ये कैंसिल हो चुकी है, सब तरह से पानी लीक हो रहा है, कम से कम कई 1000 लीटर पानी तो बह के जा रहा है, तलाव के अंदर बल के जा रहा है, पूरा कीचड़ खाना, ये तो खत्म होना चाहिए। नहीं, मगर ये वसीम भाई, ये खत्म करेंगे तो फिर दूसरा कहाँ से लाएंगे पानी? नहीं तो इसका कुछ तो इंतजाम करना चाहिए ना, इन्हें कम से कम ये पानी जो लीक हो रहा है तो ये खत्म होना चाहिए, कभी उसको कम से कम रिपेयर करना चाहिए। ये वसीम भाई का और इन लोगों का काम है ना। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कॉर्पोरेटर का काम ही है। हालांकि जो कैंसिल हो चुकी है उसके बावजूद ये चालू किए, खैर पानी तकलीफ थी, कैंसिल क्यों हो चुकी थी, मतलब क्या ये क्रेक हो चुकी थी शायद, कुछ भी मिस्टेक थी। अच्छा। इसको कैंसिल कर चुकी थी म्यूनसिपैलिटी, उसके बावजूद चालू हुई। कितना अरे ये कम से कम 5 साल का ऊपर हो रहे थे, इन्हें रिजेक्ट किया था कि इन्हें अब नहीं, काम बंद हो गया था, फिर उसके बाद चालू करके फिर चालू कर दी टाकी। एक टाकी को बन के कितना साल हुआ? वही अरे कम से कम 10-12 साल हो गया है। 12 साल को तमाम 12 साल तो हो गया है, 12-13 साल है, तो मतलब 12 साल में ही खराब भी हो गई थी। वो पहले ही खराब हो चुकी थी, वो उसको कैंसिल कर चुके थे ये टाकी। अच्छा। उसके बावजूद ये चालू किए। अब ये वसीम भाई है, ये लोग है रसीद ताई, सिराज ताई लोग का काम है, इसको करना चाहिए, बाउंड्री मार देवे ताकि थोड़ा सेफ्टी तो हो जाए। बाउंड्री मारे, चेंबर रूम बनाए यहाँ पे चीज़ों को। हाँ हाँ, ठीक है। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह से यहाँ पे लोग भी यही चाहते हैं कि इसको कम से कम रिपेयर किया जाए, ताकि जो पानी इतना वेस्ट हो रहा है वो ना हो, हादसे जो हो रहे हैं वो ना हो, यहाँ पे लाइट्स लगाई जाए सारी चीज़ों का। और ये सारा काम जो है कॉरपोरेशन का है, महानगर पालिका का है। महानगर पालिका अगर अपनी जिद पे आए तो सारी चीज़ें कर सकती है, लेकिन लापरवाही जिसे हम कहेंगे तो लापरवाही यहाँ पे बरती जा रही है और पूरे भिवंडी में ही बरती जा रही है। ऐसा नहीं है कि जहाँ जहाँ के जो कॉरपोरेटर आवाज़ उठाते तो वहाँ पे चीज़ें सही हो जाती है, लेकिन जहाँ पे आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं रहता या जहाँ पे लापरवाही होती है तो वहाँ पे इस तरह से हादसा होते हैं। तो दोस्तों, हम चाहते हैं कि यहाँ पे जल्द से जल्द जो है इन चीज़ों के ऊपर कार्रवाई की जाए। ऐसे हमारे साथ बने रहे, मैं फिरोज मेमन, द वॉइस से। थैंक यू।